Hello everyone, how are you? Hope everyone is doing great. Welcome to the 11th video of Highway Engineering. Last video में जो है हम लोगों ने question number 150 तक किया हुआ था. The type of transition curve generally provided on hilly roads spiral जो होते हैं. तो आज जो इस video में जो है हम लोग question number 151 से लेके question number 160 क्वेश्चन कवर कर लेंगे. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 151. मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे इन हिल रीजन फ्री फ्रॉम स्नो इज केप्ट. इसमें जो जो चीजें मेंशन की है, मिनिमम रेडियस हमने निकालना है एक ये, और किस चीज का, नेशनल हाईवेज का, और कहाँ पे, हिली रीजन में, और एक और ये है कि फ्री ऑफ स्नो भी हो. अब इसको हम जूम करते हैं, ब्रिंग इट फॉरवर्ड. तो इसमें जो है पहला हमारा क्या है, मिनिमम रेडियस हमने देखना है, और ये हमारे जो है माउंटेनियस टेरेन और स्टीप टेरेन दो में होते हैं. ठीक हो गया. अब जहां पे एरियाज नॉट अफेक्टेड बाय स्नो एरिया, स्नो बाउंड एरियाज, अब इसमें हमारा फ्री फ्रॉम स्नो है, तो हमने एरियाज नॉट अफेक्टेड बाय स्नो में देखना है. ये भी है और ये भी है. अब माउंटेनियस और टेरेन का इधर क्वेश्चन में वो नहीं किया हुआ इन लोगों ने, क्योंकि हिली रीजन के दो टाइप्स होते हैं, एक माउंटेनियस टेरेन होता है, एक स्टीप टेरेन होता है. तो इन लोगों ने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ, तो खैर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं. तो इसमें जो फ्री ऑफ स्नो है वो वाले ऑप्शन देख लो, एक ये है और एक ये है. इसमें जो है ये क्या पूछ रहा है, नेशनल हाईवेज का पूछ रहा है, नेशनल हाईवेज का पूछ रहा है. तो इसमें हमारे पास 80 मैक्सिमम 50 मिनिमम 50 मैक्सिमम 30 मिनिमम, और यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम में हमारे पास 50 और 30 देखना पड़ेगा. अब ऑप्शंस आप देख लो, तो यहाँ पे 50 भी गिवन है, 30 भी गिवन है. फिर यही कंफ्यूजन है, क्योंकि अब अगर माउंटेनियस पूछता तो हम मिनिमम जो है विदाउट इफेक्ट ऑफ स्नो वाले में हम 50 ले लेते, स्टीप वाले में हम 30 ले लेते, लेकिन अभी यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ का इधर इट इज माउंटेनियस और क्या कहते हैं आपका स्टीप टेरेन है, टेरेन का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ हिली रीजन लिखा है. तो इसमें जो बुक के अंदर इन लोगों ने राइट ऑप्शन दिया हुआ है 50 मीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इन लोगों ने एरिया नॉट अफेक्टेड बाय स्नो में माउंटेनियस टेरेन कंसिडर किया. ठीक हो गया. तो आपका राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी 50 मीटर. ये IRC के कोड की बुक के अंदर 2000 जो है उसके अंदर ये टेबल्स मौजूद हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 152 है, रोलिंग ग्रेडियंट ऑन हिल रोड्स 300 मीटर अबव MSL इज केप्ट. अब रोलिंग ग्रेडियंट जो हिली रोड्स होते हैं उनका अगर 300 मीटर अबव MSL है, तो उनका रोलिंग ग्रेडियंट हम कितना रखेंगे, अगर 4%, 5%, 6%, 7%, 8%. अब इस इमेज में आप देखें रिकमेंडेड जो वैल्यूज हैं, रिकमेंडेड ग्रेडियंट्स है डिफरेंट टेरेन्स के, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेडियंट है, रोलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, और इसमें दो टाइप के टेरेन पे वो इन लोगों ने डिवाइड किया, माउंटेनियस टेरेन एंड स्टीप टेरेन जिनका एलिवेशन मोर देन 3000 मीटर हो, तो उनके लिए रोलिंग ग्रेडियंट 5% होता है, 6% होता है और 7% होता है, ये डिफरेंट ग्रेडियंट्स के लिए. अगर स्टीप टेरेन अप टू 300 मीटर हाई अबव द मीन सी लेवल MSL, तो उनके लिए ये ग्रेडियंट है. अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रोलिंग ग्रेडियंट ऑन हिली रोड 300 मीटर अबव MSL. तो रोलिंग ग्रेडियंट हमने निकालना है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा होगा, वो होगा जिसका जिसमें आपका MSL 300 मीटर से अबव हो. तो 300 मीटर से अबव में आपका कौन सा आएगा. अब इसमें ये भी जिक्र नहीं किया कि आइदर माउंटेनियस टेरेन है या स्टीप टेरेन है. तो इन लोगों ने जो ऑप्शन लिया 5% लिया हुआ, इन लोगों ने फिर वही माउंटेनियस टेरेन कंसिडर किया हुआ. तो इसका मतलब ये है कि ऑगर के जो बुक में हाईवे इंजीनियरिंग का जो चैप्टर है उसके अंदर
जहां जहां हिली रोड्स का जिक्र किया हुआ इन लोगों ने माउंटेनियस टेरेन को ही कंसिडर किया हुआ, स्टीप टेरेन को कंसिडर नहीं किया हुआ है। तो रोलिंग ग्रेडियंट आपका 5% है। सो राइट ऑप्शन विल बी बी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन 153। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ हिल रोड इज 50 मीटर द परसेंटेज ग्रेड कंपनसेशन शुड बी। अब कंपनसेशन जो ग्रेड लेते हैं वो हमेशा मैक्सिमम ग्रेड लेते हैं, सही हो गया। अब इसके लिए हमारे पास एक्चुअली दो फार्मूले हैं आपका जो है परसेंटेज ग्रेडियंट निकालने के लिए। अब मैक्सिमम निकालने के लिए 70 जो ग्रेड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूले जो हैं दो हैं, एक 75 डिवाइड बाय आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक है 30 प्लस आर डिवाइड बाय आर। ये दो फार्मूले हैं। ये वाला फार्मूला हम मैक्सिमम के लिए यूज करते हैं, उसके अलावा हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो अब हमने ग्रेड कंपनसेशन ग्रेड निकालना, तो कंपनसेशन ग्रेड हमेशा मैक्सिमम होता है, ठीक हो गया। तो हम लोग 75 बाय आर यूज करेंगे। उसके अलावा एक और चीज ये भी है इसमें कि अगर आपका आर जो है ग्रेटर देन 45 मीटर है देन 75 अपॉन आर फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 50 मीटर है तो ये ग्रेटर देन 45 है। अगेन ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेस देन 45 हो तो फिर हम दूसरा फार्मूला यूज करते हैं जो कि 30 प्लस आर अपॉन आर है। तो यहाँ पे हमारा 50 से ग्रेटर भी है और ग्रेड कंपनसेशन निकालना है, तो हमारा फार्मूला होगा 75 अपॉन आर, 75 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 75 अपॉन आर हमारा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 154। इफ एन इज द एलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स, एस इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस इन मीटर्स एंड लेंथ एल इज लेंथ ऑफ अ समिट कर्व। अब इसमें लेंथ हमने निकालना है, समिट कर्व का लेंथ निकालना है। तो समिट कर्व का लेंथ निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसमें ये एक फार्मूला ये है कि अगर हमारा एल जो है लेंथ ग्रेटर देन एस है, एस इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस और ये मीटर्स में होता है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एल निकालने के लिए। उस वक्त एल निकालने के लिए फार्मूला हमारा है एन मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर, एन इज द डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स, ये डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स है, एस जो है आपका मिनिमम साइड डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट टू एच का होल स्क्वायर। अब इसमें एक्स जो हमारा है, एक्स होता है हाइट ऑफ ड्राइवर साइट, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसकी जो हाइट होगा वो है एक्स, और एच जो है आपका कोई रोड के ऊपर जो कोई ऑब्जेक्ट है या ऑब्स्टिकल है उसकी हाइट है। तो ये हम लोग IRC के कोड के हिसाब से जो है डिफाइंड है, ड्राइवर की हाइट लेते हैं 1.2 मीटर जो कि 12 सेंटीमीटर के बराबर है, और ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट का हाइट लेते हैं 0.15 मीटर जो कि 15 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब ये एक्स और एच की वैल्यू हम यहाँ पे फार्मूले में एक्स और एच में पुट कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगी उसको इन ऑप्शन के साथ हम लोगों ने कंपेयर करना है, तो उससे हमारे पास आंसर एन एस स्क्वायर डिवाइड बाय 4.4 आएगा। अब इसमें 4.4 गिवन नहीं है लेकिन सबसे क्लोजेस्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये वाला इसमें एस के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये खुद बहुत ऑप्शन है रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में एन के ऊपर स्क्वायर है, हालांकि एस के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, तो सी भी गलत है। डी में होल स्क्वायर लिया हुआ है, होल स्क्वायर नहीं है, वह सिर्फ एस पे स्क्वायर है, तो ये डी भी गलत है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्लोजेस्ट आंसर बी है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं वैल्यूज पुट करके तो ये एन एस के 4.4 आता है, सिर्फ 4 नहीं आता। और ये एस एक्स और एच की वैल्यू जो है यहाँ से भी आप ड्राइवर आई हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का या मिनिमम साइड डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यूज यहाँ पे 1.2 मीटर है ड्राइवर्स आई हाइट का, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.15 मीटर है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग जो चूज करेंगे जो गिवन ऑप्शंस है उसके हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 155।
इसमें अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं रीड आउट कर लेता हूँ, तो आप इसको कंपेयर कर लें, या आपके पास अगर बुक है तो उसमें इसको देख लें। अगर आपको ब्लर है और नजर नहीं आ रहा साफ, तो एक क्वेश्चन नंबर 155 है। इफ एन इज द नेट डिफरेंस ऑफ ग्रेड, एस इज द मिनिमम ओवर टेकिंग हाइट डिस्टेंस इन मीटर, एंड लेंथ एल ऑफ अ समिट कर्व इज, इसमें भी लेंथ निकालना है, पिछले में भी लेंथ निकालना था, लेकिन पिछले में हमें क्या गिवन था, मिनिमम साइड डिस्टेंस गिवन था इन मीटर्स, इसमें हमें क्या गिवन है, मिनिमम ओवरटेकिंग डिस्टेंस गिवन है। ठीक हो गया, ओवरटेकिंग के लिए फार्मूला अलग है और मिनिमम साइड डिस्टेंस हो गया, तो उसमें फार्मूला ये वाला यूज होगा। और ओवरटेकिंग के लिए एन स्क्वायर अपन 8h होता है। ठीक हो गया, इसमें क्या था, एन स्क्वायर अपन, ये इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद एन स्क्वायर अपन 4 हमारे पास फार्मूला होता था, और ओवरटेकिंग के लिए 8h है, और इसमें h क्या है आपका, h की वैल्यू 1.2 मीटर है। ठीक हो गया, तो 1.2 मीटर h की जगह पे हम पुट करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर लेंगे, 9.6 आएगा, एन स्क्वायर अपन 9.6। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 155। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 156, इसमें भी फार्मूला पूछ रहा है, लेकिन इसमें क्या है फार्मूला आपका, इफ एन इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स, एस इज द हेडलाइट बीम डिस्टेंस। अब हेडलाइट बीम डिस्टेंस इसमें जिक्र किया हुआ है, एक ओवरटेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला है, पिछले वाले में आपका मिनिमम साइड डिस्टेंस था, अब ये तीन फार्मूले हैं डिफरेंट, ओवरटेकिंग डिस्टेंस, लाइट बीम डिस्टेंस, तो उसमें आपका लेंथ क्या होगा, वैली कर्व, इसमें वैली कर्व का पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अब वैली कर्व जो होता है उसके लेंथ निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। अगर आपका एल ग्रेटर देन एस एस डी है, ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से आपका लेंथ ग्रेटर है, तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h1 प्लस 2s टेन अल्फा। नहीं, अगर आपका लेंथ लेस देन एस एस डी है, स्टॉप साइटिंग डिस्टेंस से लेस है, तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन जो ये फार्मूले जो है आपके वैली कर्व के लिए। ठीक हो गया, वैली कर्व के दो फार्मूले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जिक्र वैली कर्व का किया हुआ, लेकिन जो आंसर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे ये समिट कर्व के दिए हुए, तो ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। या तो यहाँ पे इसको जो है वैली कर्व की जगह पे समिट कर्व लिखना चाहिए, या फिर उन ऑप्शंस को चेंज करके वैली कर्व के फार्मूले पुट करें, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक हो गया, मेरे हिसाब से ये सारे ऑप्शंस गलत थे, इसमें कोई भी वैली कर्व का फार्मूला नहीं है, लेकिन बुक के अंदर इन लोगों ने जो है 156 का आंसर आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है, एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4। देखें, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो हम लोगों ने इधर इस ऑप्शन में फर्स्ट में किया था सबमिट कर्व के लिए, एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये आपका सबमिट कर्व का फार्मूला है लेंथ निकालने के लिए, अगर आपका मिनिमम साइड डिस्टेंस गिवन है। तो ये वाला क्वेश्चन 156 के सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, या आई थिंक किसी पेपर में वो देंगे नहीं, अगर देंगे तो आप इसमें फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 फॉर नाइट ट्रेवल, द लेंथ ऑफ अ वैली कर्व शुड बी सच दैट द हेडलाइट बीम डिस्टेंस इज सेम एज। अब रात में अगर कोई ड्राइव कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, तो आपका जो वैली कर्व है, ठीक हो गया, वर्टिकल कर्व के दो टाइप है, एक वैली कर्व होता है जिसमें सेग होता है, और दूसरा होता है आपका समिट कर्व जिसमें आपका क्रस्ट बन रहा होता है। ठीक हो गया, तो वैली कर्व में आपका इस तरह सेग बन रहा होता है, अगर सेग टाइप का वैली रोड है आपका, तो उसमें अगर कोई बंदा ड्राइव कर रहा है नाइट टाइम पे, तो उस वक्त हेडलाइट बीम का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जैसे ये इस तरह कर्व है, कर्व यहाँ पे गाड़ी बंदर ड्राइव कर रहा है, यहाँ से लेके उसका जो गाड़ी की बीम लाइट है, लाइट की जो बीम है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइदर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, या फिर सेम ऑफ ए एंड बी होना चाहिए, या फिर डिफरेंस ऑफ ए एंड बी होना चाहिए। तो इसमें यह है कि
ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो तो इसमें ये होता है कि ओवरटेकिंग, जाहिर सी बात है, आप दूसरी गाड़ी से आगे निकल रहे होते हो, उस वक्त दूसरी गाड़ी के भी बीम लाइट होती है, तो आपका क्या कहते हैं डिजाइन जो डिस्टेंस होगा वो उस हिसाब से नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन ए है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए आपका बीम लाइट डिस्टेंस, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, द मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ ऑफ एनी और एनी अदर स्ट्रक्चर अबव द सरफेस ऑफ अ हिल रोड शुड बी। अब इसमें यह है कि वर्टिकल क्लियरेंस, अब जैसे कोई हिली एरिया है, हिली रोड है, तो उसके अंदर कोई ओवरहैंगिंग क्लिफ्ट है या कोई दूसरा स्ट्रक्चर है, तो उस ओवरहैंगिंग क्लिफ और रोड जो आपका सरफेस है उसके बीच में वर्टिकल क्लियरेंस डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो पूछ रहा है। तो आईआरसी के कोड के बुक के अंदर भी इसका जिक्र है कि ये जो है आपका यहाँ पर गिवन है, मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस ऑफ 5 मीटर शुड बी इंश्योर्ड ओवर द फुल विड्थ ऑफ रोडवे एट ऑल अंडर पासिस एंड सिमिलरली एट ओवरहैंगिंग क्लिफ्स। ओवरहैंगिंग क्लिफ्स हो या अंडर पासिस, आपके क्लिफ के नीचे से अगर आपका रोड पास हो रहा है या सेमी टनल सेक्शन है, तो उनका मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस 5 मीटर होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शंस में 5 मीटर ऑप्शन सी है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 158 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, इसमें पूछ रहा है अ ग्रेडियंट अलोंग विच द व्हीकल डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रेक्टिव एफर्ट टू मेंटेन अ स्पेसिफिक स्पीड। मतलब ऐसा ग्रेडियंट, वो ग्रेडियंट कौन सा है जिसके ऊपर ड्राइवर को, ड्राइवर जो है अपनी गाड़ी को स्मूथ ट्रेवल करता है, उसको कोई पावर ब्रेक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हो, तो वो होता है हमारा फ्लोटिंग ग्रेडियंट होता है। अब फ्लोटिंग ग्रेडियंट का आप डेफिनेशन यहाँ पे देख लें, जैसे ये रोड एग्जांपल भी दिया हुआ है, इस टाइप का जो आपका ग्रेडियंट हो तो वो आपका फ्लोटिंग ग्रेडियंट होगा। फ्लोटिंग ग्रेडियंट का डेफिनेशन है द ग्रेडियंट ऑन विच अ मोटर व्हीकल मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड कंटिन्यूस टू डिसेंड विद सेम स्पीड, और अपना स्पीड भी कॉन्स्टेंट रखता है विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ पावर ब्रेक्स, पावर ब्रेक्स की अप्लाई भी नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग ग्रेडियंट। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन 159 क्वेश्चन के लिए होगा ऑप्शन सी फ्लोटिंग ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 160 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसमें एक फिगर हमें गिवन है, क्रॉस सेक्शन गिवन है हिली रोड का। ठीक हो गया, हिली रोड का क्रॉस सेक्शन गिवन है। इसके अंदर हमें पूछ रहा है वन, ये जो वन लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वन है आइदर रिटेनिंग वॉल, पैरापेट वॉल, ब्रेस्ट वॉल और रोड वॉल। तो इसके लिए इस फिगर में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपका कोई हिली रोड होता है, आप इसको इमेजिन कर लें रोड बनने से पहले का, अगर जब ये रोड नहीं बना हुआ उस वक्त आपका जाहिर सी बात है प्रोफाइल इस तरह का ही होगा, सही है, इंक्लाइंड प्रोफाइल होगा, स्टीप। तो रोड बनाने के लिए आप इसको क्या करेंगे, इस जगह से आप कटिंग करेंगे और इसको वैली साइड पे फिल करेंगे। इसको ऊपर वाली साइड के रोड के ऊपर वाली साइड को हम हिल साइड कहते हैं और रोड के नीचे वाली साइड को वैली साइड कहते हैं। तो हिल साइड पे हमारी एक्सक्यूवेशन होगी हमेशा, और आपके जो वैली साइड है उस पे यहाँ से कटिंग हो गई, एक्सक्यूवेशन हुई है, उसकी बैक फिलिंग यहाँ पे वैली साइड पे होगी। एक चीज ये है। दूसरी चीज जो हमने कंसिडर करनी इसके अंदर ये होता है कि जिस साइड पे आपकी एक्सक्यूवेशन हुई है उस साइड पे आपका जो वाल आप बनाएंगे, मशीनरी वाल जो बनाएंगे उसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, और वैली साइड पे जो बनाएंगे उसको रिटेनिंग वाल कहते हैं। या फिर इसमें और इस तरह भी पूछ सकते हैं कि फिलिंग साइड पे जो बनाएंगे या वैली साइड पे जो बनाएंगे उसको हम रिटेनिंग वाल कहते हैं, एक्सकिवेशन वाली साइड पे जहाँ पे कटिंग की है कटिंग वाली साइड पे, या हिल साइड पे जो बनाएंगे उसको हम ब्रेस्ट वाल कहते हैं। ठीक हो गया, रिटेनिंग वाल आपका वैली साइड पे होता है हमेशा। तो ये चीजें थी, इसको कंसीडर कर लें। तो अब इसमें देख लें आप, तो इसमें हमें वन का पूछ रहा है कि वन क्या है, और इस साइड पे इसने पहले से बोल दिया कि रिटेनिंग वाल है ये। अब देख लें कि रिटेनिंग वाल आपका हमेशा वैली साइड पे होता है, सही है, ये रिटेनिंग वाली साइड पे दिया, इसका मतलब ये कि ये इस रोड का, इस क्रॉस सेक्शन जो रोड गिवन है, इस रोड का ये वाला साइड
वैली साइड है, क्योंकि रिटेनिंग साइड, रिटेनिंग वाली साइड पे ये वाला वैली है, ये वाला हिल साइड है इसका। तो हिल साइड की तरफ जो वाल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हिल साइड पे जो वाल होगा उसको ब्रेस्ट वाल बोलते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ब्रेस्ट वाल, ये आपका रिटेनिंग वाली साइड पे। तो ऑप्शन सी इज द ब्रेस्ट वाल, क्योंकि ब्रेस्ट वाल आपका हिल साइड पे होता है और ये हिल साइड इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, फॉर्मेशन विड्थ ऑफ अ हिल रोड इज द डिस्टेंस बिटवीन। अब हिल रोड जो है, फॉर्मेशन विड्थ हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन विड्थ हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि पेमेंट या आपका कैरियज वे है वो और आपके शोल्डर्स का सम जो होता है वो आपका कैरियज वे होता है, ठीक है। और शोल्डर के एंड से आपका जो आउटर इनर एज होता है, शोल्डर के आउटर एज से आपका ड्रेन का इनर एज स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक हो गया। क्योंकि शोल्डर के साथ ड्रेन होता है तो ड्रेन का जो इनर एज होगा और शोल्डर का आउटर एज होगा वो उसकी बाउंड्री होगी। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है फॉर्मेशन विड्थ के लिए, आउटर एंड ऑफ द साइड ड्रेन टू द आउटर एंड ऑफ द पैरापेट वॉल, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी आउटर एंड ऑफ द साइड ड्रेन टू द इनर एंड ऑफ द पैरापेट वॉल, और इनर एंड ऑफ द साइड ड्रेन टू द आउटर एंड ऑफ द पैरापेट वॉल, इनर एंड ऑफ द साइड ड्रेन टू द इनर एंड ऑफ द पैरापेट वॉल। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी राइट है, क्योंकि इनर साइड हम ड्रेन का जो इनर साइड है उससे लेके इनर साइड ऑफ पैरापेट वॉल तक जो होता है वो फॉर्मेशन विड्थ होता है, लेकिन यहाँ पे बुक के अंदर ऑप्शन ए दिया हुआ है। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप एग्जाम में बुक के हिसाब से जाते हैं या फिर आप इसकी लॉजिक को देख के उसके हिसाब से जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी राइट है। आप इसका क्रॉस सेक्शन चेक भी कर लें, हिली रोड का जो फॉर्मेशन विड्थ होता है तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, नॉर्मल फॉर्मेशन विड्थ ऑफ अ हिली रोड फॉर वन वे ट्रैफिक। आपका अगर हिली रोड है और वन वे ट्रैफिक है तो उसका नॉर्मल जो फॉर्मेशन विड्थ होता है वो कितना होता है। इसमें भी फिर वही बात है, इशू है। अब आईआरसी के जो वैल्यूज है उसके हिसाब से जो सिर्फ इसमें मसला ये है कि यहाँ पे इन लोगों ने जिक्र नहीं किया है कि आपका जो रोड है आइदर नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे या फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है या विलेज रोड है, उसका जिक्र इन लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं किया हुआ। सिर्फ लिखा है कि हिली रोड है उसका फॉर्मेशन विड्थ। अब फॉर्मेशन विड्थ हमारा होता है कैरियज विड्थ प्लस शोल्डर विड्थ होता है, ठीक हो गया। अब सिंगल लेन इसमें जिक्र है, तो सिंगल लेन का आप अगर देख लें तो 3.75 कैरियज वे प्लस इसके शोल्डर दोनों साइड पे 1.25 एक साइड पे 1.25 दूसरी साइड पे होगा। तो इन सब को सम करेंगे तो हमारा टोटल 6.25 आता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में 6.25 का जिक्र ही नहीं है। तो नॉर्मल जो फॉर्मेशन विड्थ ऑफ हिली रोड फॉर वन वे ट्रैफिक जो बुक के ऑप्शन के हिसाब से है ऑप्शन बी है, आई गेस या ऑप्शन बी है, 4.8 मीटर लिया हुआ। नॉर्मल फॉर्मेशन विड्थ ऑफ अ हिली रोड फॉर वन वे ट्रैफिक इज 4.8 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 163, द वॉल कंस्ट्रक्टेड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सक्यूवेटेड पोर्शन ऑफ रोड ऑन द हिल साइड। अब वही बात है, अब ये वही क्वेश्चन इसने दूसरे अंदाज में पूछा है। इसमें पूछ रहा है कि आप किसी हिली साइड पे रोड की कंस्ट्रक्शन करते हो तो उस वक्त जो एक्सक्यूवेटेड साइड है, जिस साइड पे आपने एक्सक्यूवेशन की है उसकी स्टेबिलिटी के लिए जो वाल प्रोवाइड करते हो उसको क्या कहते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा था ना कि इस साइड को हम या एक्सक्यूवेटेड, क्योंकि इस साइड पे हिल वाली साइड पे हम एक्सक्यूवेशन करते हैं और वैली साइड पे फिलिंग करते हैं, तो एक्सक्यूवेशन वाली साइड पे हम जो वाल प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी के लिए उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेस्ट वाल कहते हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा बी, 163 का राइट ऑप्शन बी, ब्रेस्ट वाल, क्योंकि रिटेनिंग वाल हम लोग हमेशा वैली साइड पर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, द वाल कंस्ट्रक्टेड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बैक फिल। अब पिछले में एक्सक्यूवेटिंग एक्सक्यूवेशन का पूछ रहा था, बैक फिल की स्टेबिलिटी के लिए हम कौन सा वाल प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से एक्सक्यूवेशन करके इस बैक फिल करते हैं वैली साइड पे, तो बैक फिल वाली साइड पे हम जो वाल प्रोवाइड करते हैं उसको रिटेनिंग वाल बोलते हैं। तो आपका
राइट ऑप्शन होगा 164 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165। इसके अंदर जो फिगर शो की है इसके अंदर ये बोल रहा है कि जो वन यहाँ पे वन रिप्रेजेंट्स वन, इस फिगर में मुझे दिख तो नहीं रहा, वेयर इज वन? एक्चुअली आई कांट सी वन इन दिस फिगर। आप लोग देख लें अगर वन इसमें कहीं नजर आपको आ रहा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको आपके स्पर कर्व को। ठीक हो गया, तो लेट्स फिनिश दिस वीडियो हियर एंड वी विल ज्वाइन इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।